एक घर हो, यह सबका सपना होता है। मेरा भी यह सपना है कि मेरा भी मुंबई में घर हो। मेरे जैसे स्लम में रहने वाले लोगों का शायद यह सपना पूरा होने वाला है। एसआरए के माध्यम से सरकार सबको पक्के मकान बना के दे रही है। यह सुनकर मेरे बस्ती वाले भी काफ़ी खुश है, पर इस खुशी के पीछे एक दूसरी कहानी है जो हमारे सपनों का घर बनने नहीं दे। 2006 से साथेनगर बस्ती में एसआरए स्कीम चलाई जा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर बिल्डिंग नहीं बनी है। इसकी एक वजह यह है कि साथेनगर के लोग अपनी अपनी कमेटी बनाते हैं और नए नए बिल्डर को लाते हैं। नया बिल्डर इसलिए लाते हैं कि वो बिल्डर घर बैठे कमेटी के लोगों को हर महीने पैसे देता रहे, और आज साथेनगर की बस्ती में ऐसा ही चल रहा है। पैसा खाने की लालच में कमेटी के लोग अपनी जेब भर रहे हैं, पर गरीब आम जनता के घरों के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। काय आम्हाला कुठे भेटणार आहे, काय होणार आहे, काय थोडं तरी आम्हाला जरा तरी काही जानकारी पाहिजे की नाही माहिती का? खरं बघा आम्ही कुठं जाणार आहे नेमकं, एवढं सगळं आम्हाला माहिती नाही। काही तुम्ही डायरेक्ट आम्हाला तसं या करा आणि तुमचे नाव द्या, नंबर टाकू द्या, काहीतरी आम्हाला थोडं तरी कळू द्या ना कुठं जाणार आहे आम्हाला देणार आहे का नाही ते। जब मैंने जय अंबिका माता गृह निर्माण कमेटी के पास यह शिकायत लेके गया तो उन्होंने मुझे बात करने से मना कर दिया। फिर मैंने बस्ती के आम लोगों से बात की, पर लोग मुझे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। उनको डर था कि अगर मैं किसी बिल्डर के बारे में कुछ बोल दूँ तो कमेटी के लोग मुझे बोलेंगे, इसीलिए बस्ती वालों ने डर के मारे मुझे इंटरव्यू देने से मना कर दिया। जय अंबिका माता गृह निर्माण संस्था के बिल्डरों ने साथेनगर के हर एक गली में पैसा खिलाकर कलेक्टर सर्वे किया है, यह सब लोगों को पता है, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये सारी योजना से सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है वो बिल्डरों को ही होने वाला है, क्योंकि बिल्डर ही यहाँ पे घर तोड़ के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे और वो अपने फायदे के लिए लोगों को पैसा खिलाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। उच्च स्तरीय कमेटी ने आकर ये सारे योजना में क्या गोलमाल हो रहा है उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, ताकि हमारी बस्ती के लोगों के साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो। मुंबई से अमूल लाल झरे, इंडिया अनहड़ के लिए।